भाई जहाँ बैठे राजा राम भाई दिखा रहे हैं, देखो चाय पी रहे हैं। ये चाय कहाँ से पी रहे हो, झुका कर रहे तुम? चिप्स चाय में डाल रहे हैं, चाय में चिप्स डाल रहे थे और चाय पी हो अब तुम। अरे भाई हमारा आश्रम है छवारा संगीत आश्रम, और हम कर रहे हैं प्रयागराज यूनिवर्सिटी से संगीत की डिग्री। तो मेरी लास्ट ईयर बची है, प्रभाकर कर रहा हूँ। इस साल 5 साल मेरी कंप्लीट हो चुकी है, 6 साल की पढ़ाई होती है। भाई आओ एक दिन हंसकर बता दो। हाँ ये दांत इधर चमक रहे भाई। ये हमारा संगीत आश्रम देखो भाई। राम जी की दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है आपके अपने नए ब्लॉग में। तो आज अपन चल रहे हैं छवारा घूमने के लिए। छवारा गांव है यही पास में बरेली के पास, और यहां से जाना पड़ेगा अपन को पहले घाना बहेड़िया से होते हुए चलेंगे अपन। छवारा में किस लिए जा रहा है वो आपको बाद में बताएंगे, पहले अपन चलते अपने फ्रेंड्स। सब कर दिया अपन ने, गाड़ी पार्क और आ चुके हैं अपन छवारा में संगीत आश्रम। ये हमारा संगीत का आश्रम है। यहाँ पे जो हमने एग्ज़ाम दिए थे, आपने ब्लॉग देखा होगा कि संगीत का एग्ज़ाम कैसे होता है, हमने बताया था। तो एग्ज़ाम दिए थे, उसका रिजल्ट आ चुका है, तो वो ही मार्कशीट लेने के लिए आए हैं। तो अब देखते हैं भाई कितनी क्या परसेंट बनी होगी, चलते हैं अब मार्कशीट ले लेते हैं। ये हमारा संगीत आश्रम देखो भाई आप, ये संगीत आश्रम है हमारा। और ये संगीत के विद्वान जन जो पूर्वज थे, देख लो सभी लोग। अब यहाँ से जल्दी से मार्कशीट ले लो, फिर चलते हैं। One hour later. फ्रेंड्स अब आ चुके हैं अपन उदयपुरा, और ये तालाब का किनारा देख लो भाई। मार्कशीट वगैरह लेके आ गए, अच्छी अपनी फर्स्ट डिवीजन बन चुकी है भाई म्यूजिक में भी। इस बार थोड़ी सी कम परसेंट रही, पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार थोड़ी कम है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है, मतलब अपनी मार्कशीट भी आ चुकी है, स्कूटी के अंदर रखी है। अब चलते हैं विद्यालय के अंदर। A few moments later. तो भैया अब हो चुकी है रात, आ चुके हैं अपन लड्डू भाई की दुकान पे। यहाँ पे पी रहे थे चाय वाय वगैरह। नीलेश भाई भी बैठे हैं अपने, सोमू दादा बैठे बास है, हैप्पी बर्थडे सोमू भैया, बास वालों हैप्पी बर्थडे। और भैया जहाँ बैठे राजा राम भाई चाय पी रहे हैं। ये चाय कहाँ से पी रहे हो, झुका कर रहे तुम? चिप्स चाय में डाल रहे हैं, चाय में चिप्स डाल रहे और चाय पी हो अब तुम। अरे भाई जो देख लो आखिरी अजीब मैंने कही थी ना पिछले ब्लॉग में भाई, राजा राम भाई जिसको जो भी जानते भाई लड्डू भाई की दुकान पे आखिरी आदमी भाई, ये देख लो क्या कर रहा है। ये देखो चाय में चिप्स डबो दे अब झुके हैं भैया, आखिरी आदमी भाई। वो पानी पाउच भी रखे हैं साथ में, आखिरी आदमी यार भैया देख लो। लियो वाह मजा आ गया, एक दिन हंस कर बता दो। हाँ ये दांत इधर चमक रहे हैं भाई। राजा राम भाई देखो भाई गजब के आदमी है, चाय पी गए अब जा कैसे क्यों भाई, तुम जाम चाय तो पूरी पी गए तुम जाम जो जी बचो है। वाह यार आखिरी आदमी डिस्पोजल सब कही खा जा रहा हो, सही में खा रहा हो। वाह यार हीरा आदमी यार वो तो खा लेंगे भाई, इसकी हरकतें तो ऐसी ही है। तो फाइनल फ्रेंड्स अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा रात, और मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाया, घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद पता चला कि मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल मैंने चार्ज पे लगाया, फिर उसके बाद चला गया विद्यालय, फिर भी मैं मोबाइल ओपन नहीं किया। और एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम में भी जा चुका था, प्रोग्राम से भी आ चुका हूँ मैं, मतलब ब्लॉग बनाना ही भूल गया कि भाई मैं ब्लॉग भी ओपन कर रखा हूँ भाई, और ब्लॉग भी बनाना है। भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ भाई, मैं क्या ही बताऊँ भाई, भाई सब कुछ होता यार। तो भाई आज छवारा गए थे ना हम, छवारा में बता रहा हूँ हमारा आश्रम है छवारा संगीत आश्रम, और हम कर रहे हैं प्रयागराज यूनिवर्सिटी से संगीत की डिग्री। तो मेरी लास्ट ईयर बची है, प्रभाकर कर रहा हूँ। इस साल 5 साल मेरी कंप्लीट हो चुकी है, 6 साल की पढ़ाई होती है म्यूज़िक की होती है 6 साल की, तो 5 साल मेरे को कम्प्लीट हो चुके हैं, ये लास्ट ईयर चल रहा है, इसके बाद मेरी प्रभाकर हो जाएगी कम्प्लीट। और इस साल का भी रिजल्ट अच्छा रहा, फर्स्ट डिवीज़न, हर बार फर्स्ट डिवीज़न बनती है, अभी तक मेरी कोई सी क्लास में भी कम परसेंट नहीं बनी, मतलब 60 से ऊपर ही परसेंट बनती, फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट ही होती भाई मेरी। तो
तो अभी तक ईश्वर की कृपा है कि अपनी भाई सेकंड डिवीजन अभी तक नहीं बनी और ना भगवान अब बनवाया अपन को। बस अब पढ़ाई क्या होने ही वाली थोड़ी सी और बची है, वैसे एमए भी चल रही है, एमए भी कंप्लीट और यहाँ से म्यूज़िक भी कंप्लीट, मतलब पूरी कंप्लीट होने वाली पढ़ाई। तो भाई आज का ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है कल का ब्लॉग अच्छा बनाएंगे। तो जो भी नए लोग आए चैनल, वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जब तक नया ब्लॉग नहीं आ रहा जब तक के लिए जय राम जी की।